सरिता और देखो ये मैडम जी हेलो तो बोल हाय तो डालना बोल भाई हेलो एवरीवन। अच्छा मैं अब तुझे सरप्राइज करती हूँ ठीक है। हेलो एवरीवन, देखो अभी मैं खड़ी हूँ शादरा मेट्रो स्टेशन और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमारे पास कौन आया देखो ये है सरिता और ये है अमू बहुत खुश है क्योंकि वो दीदी के साथ में शॉपिंग करने जा रही है। बाल इतनी बुरी तरीके से उड़ रहे हैं कि हालत खराब हो रही है तो अब हम आपको मेट्रो में मिलते हैं। मेट्रो कल तो हम शॉपिंग का कुछ बना ही नहीं पाए तो आज हम जा रहे हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आज की शॉपिंग होने वाली है एथनिक वियर। तो हम शॉपिंग जा रहे हैं तो हम बस निकले हैं घर से और हमारा टारगेट है आज चांदनी चौक। हम चांदनी चौक जाएंगे आज क्यों मैडम जी? यस कहाँ लेना है? हाय अभी सोचा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें देखते हैं क्या मिल जाएगा। तो ये सूट की मेरी ये सूट की वीडियो से देख करके आई है और इनको सूट लेने तो मैं सूट दिलवाने जा रही हूँ तो हम जा रहे हैं। ओके चलो बाय। बाप रे कितना सही है। चले क्या काजल? काजल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। कौन से स्कूल में? लाल। अरे वाह, अकेले आते हो तो इन तीनों या मम्मा के साथ आते हो? अच्छा आप किस में पढ़ते हो? दीवाने हॉल में। अच्छा मम्मा के साथ आते हो सब लोग है ना। चलो बाय। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन सूर्या। सूर्या आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, चांदनी चौक का फेमस शोरूम है और यहाँ 800 रुपए से साड़ी स्टार्ट होती है, 1.5-2 लाख तक चलती है और यहाँ पे इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा था ये लहंगा सेक्शन में, बड़े मजे आए हमें इस म्यूजिक को सुनने में। लेकिन वहाँ पर वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तो मैंने जैसे तैसे बना ली थी। आपने कोई भी सूर्या की वीडियो नहीं देखी होगी क्योंकि वहाँ पर अलाउड ही नहीं है। साड़ी सेक्शन है 800 से लेके 1500, मतलब अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं कि कहाँ से कितने तक की मिलती है और यहाँ सबका लिस्ट लगी हुई थी कितने में कितने का मिलेगा। और हमने यहाँ से साड़ियाँ ली लेकिन हमने तब फोटोज़ वगैरह नहीं लिए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो उन्होंने रेडी होने के लिए भेज दी हैं। फिर हम पहुँच गए दूसरे सेक्शन कपूर कुछ पे और हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। हमें सूर्या से भी बड़ी मुश्किल से 2 साड़ियाँ पसंद आई थी, हमें कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। तो हमारी शक्लें आप देख सकते हो कितनी बुरी बनी हुई है क्योंकि हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। काफ़ी खुशियों के बाद हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हम पहुंच गए अपनी फेवरेट जगह मॉल क्योंकि मूड भी हल्का करना था तो शाम को हम मॉल चले गए। वहाँ हमने दा मिलानो वगैरह पे बहुत सारी सेल आई हुई थी और सेल के बाद भी ये इतने महंगे थे कि हालत ख़राब हो गई देख के इनको ना, ये 12,000-13,000 ऐसे स्टार्ट थे बैग, लेकिन कई बैग काफ़ी अच्छे लग रहे थे यार सच में। बहुत महंगा था, बहुत महंगाई हो गई है। चांदनी चौक में भी कोई भी किसी भी साड़ी पे हम हाथ रख रहे थे वो 4,000-5,000 से नीचे नहीं थी, बहुत महंगी हो रखी थी। तो पता नहीं क्या ही हो गया है। और ये बैग बड़ा सुंदर था, ये बैग भी 12,000-13,000 कुछ का था। ये ग्रीन वाला मुझे पसंद आ रहा था, ये आफ्टर डिस्काउंट 12,000 का पड़ रहा था। फिर हम सरिता के लिए कुछ स्लीपर्स ले रहे थे, हम स्लीपर्स के उसमें चले गए लेकिन इसके साइज का कुछ मिला ही नहीं, खतरनाक साइज कर रखा है इसने। और ये भी बहुत महंगा था, यहाँ पर भी 2600-2700 रुपये से शुरू थे यार स्लीपर्स और वो भी इतने कंफर्टेबल भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इससे बेटर तो शू सेंट्रल है, वहाँ पर कम से कम कंफर्टेबल शूज़ तो हैं। फिर पेट पूजा के लिए हमने कुछ खाया, भूख भी बहुत लगी है यार सच में, कुछ नहीं एमी होती है तो फिर नूडल्स तो ऑर्डर करने ही पड़ते हैं। क्या कर रही हो? ओके और आप जो
और जब दो तीन लोग साथ होते हैं तो बड़ा कॉमन सवाल होता है कि आपका जो खाने का मन कर रहा हो, क्या खाने का मन हो रहा है, और बच्चे अपनी जगह देख ही लेते हैं। आप सच में उसे हेमलीज दिख गया वहाँ पर, देखते पागल हो गई वो, और हमें ले गई वहाँ पर। वो वहाँ पर इतना महंगा कोई भी टॉय, मतलब छोटे से छोटा टॉय 500 रुपये से शुरुआत थी वहाँ पर सच्ची में। इससे अच्छा हेमलीज तो यहाँ का है, इसका क्या बोलते हैं, कनॉट प्लेस वाला, यहाँ पे यार कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये में अच्छा टैडी मिल जाएगा। वहाँ तो सारे टैडी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये के टैडी थे कसम से। और सरिता मुझे प्राइस दिखा रही है, 750 रुपये के थे, इतने गंदे थे 750 रुपये में। एम ही को एक पसंद सच में सुना रहा था, मैंने कहा बेटा तू यहाँ से छोड़ बिल्कुल भी नहीं, डैडी के साथ लिया करो इस तरीके की चीज़ें। और हम घूमे फिरे फिर वहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हमने देखी, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा पसंद आया ही नहीं कि हम यहाँ से कुछ ले लें। और बस हमारा हो गया था यहाँ पे ऐसे ख़त्म। एक बैग हमने लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं एक साथ ही दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि हम क्या क्या लिए हैं क्या क्या नहीं लिए हैं हमने इस तरीके से। लेकिन बैग बहुत प्यारा है और ओरिजिनल ब्रांड का बैग लिया हमने। तो बस यही सब हमने देखा, खराब बहुत महंगाई थी, हमारी हालत ख़राब हो गई और हम वहाँ से निकल लिए सीधे चुपके पतली गली से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।